ये रही हमारी आज की सवारी सिंगापुर एयरलाइन। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। वर्ल्ड का मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट कुछ ऐसा दिखता है भाई। काफी स्मूथ प्रोसेस, इतना स्मूथ प्रोसेस मुझे नहीं लगता किसी भी कंट्री का रहा होगा। गुड इवनिंग एवरीवन, और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और नए व्लॉग में। और मैं बता दूं आपको, टाइटल और थंबनेल देखकर आइडिया लग ही गया होगा कि ये जो मेरा आज का वीडियो है कौन से टॉपिक पे होने वाला है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। मेरे चैनल में चल रहा है 12 महीने में 12 कंट्री कवर करने का चैलेंज। 12 महीना इंपॉर्टेंट नहीं है, 12 कंट्री इंपॉर्टेंट है। अब वो 2 महीने में हो, 5 महीने में हो, 10 महीने में हो या फिर 1 साल में भी ना हो पाए, वो तो आपको आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। तो ये 12 महीने 12 कंट्री चैलेंज का शुरुआत हुआ था हमारा नेपाल से, उसके बाद हम लोग गए भूटान, और अभी हम लोग निकल चुके हैं अपने तीसरे कंट्री के लिए जो कि है सिंगापुर। तो यहाँ पे मेरे को बहुत दिनों से जाना था, फाइनली अभी मौका मिला है। अभी देख लो, जस्ट एयरपोर्ट के बाहर आए। अगर आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा ना, हम लोग बैंगलोर से चेन्नई आ गए थे बाई ट्रेन, उसके बाद हम लोगों ने एक होटल ले लिया था, वही थोड़ा रेस्ट कर रहे थे क्योंकि रात के लगभग 11 बजे का हमारा फ्लाइट है। तो यही बोल रहा हूँ मैं, ये सब ब्लॉग बनाने में ना बहुत मेहनत लगता है, तो अपने साइड से यही बोलूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किया करो। और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो, ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। और हाँ, आपको सारा इन्फॉर्मेशन देंगे अगर आप भी प्लान कर रहे हो अभी सिंगापुर जाने का, भले वीडियो जितना भी लंबा हो लेकिन आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो अभी एक काम करते हैं, हम लोग अंदर जाते हैं। अगर आपका इंटरनेशनल फ्लाइट है ना, तो सबसे पहले तो आपको आना पड़ता है इंटरनेशनल टर्मिनल में। अभी एक काम करते हैं, अपना टिकट निकालते हैं, पासपोर्ट निकालते हैं, अंदर एंटर करते हैं। फिलहाल देख लो, कुछ ऐसा एयरपोर्ट है चेन्नई का, है तो नो डाउट बढ़िया एयरपोर्ट, अन्ना अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल T2। और यहाँ से देख लो सारा बाहर का फ्लाइट सब है, एमिरेट्स। ये जो MAI देख रहे हो ना, ये म्यांमार का, इथियोपियन एयरलाइन भी है, मलेशिया एयरलाइन भी है, एथियाड है, एयर एशिया है, जिसमें से अभी तक मेरा बस 2-3 कवर हुआ है, लेकिन इस ट्रिप होने होने तक 1-2 और एड हो जाएगा। और ये रहा हमारा लगेज, जाते हैं अब अंदर। 11 बजे का अपना फ्लाइट है, तो अभी सारा प्रोसेस करवाना है। मैं लवली तो हूँ ही, एक और स्पेशल पर्सन है जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, वो है हमारे सत्या भाई। सत्या भाई पहली बार तो हाई फाई आपके फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप के लिए। वहाँ पे की वजह से पॉसिबल हुआ है सिंगापुर, वरना हम तो आसपास प्लान करने वाले थे। नहीं नहीं भाई, आसपास भी घूमो, बहुत बढ़िया बढ़िया जगह है, लेकिन सिंगापुर यार घूमना अच्छे से। तो यहाँ हम लोगों ने भी अपना पासपोर्ट निकाल लिया है, अभी एक काम करते हैं अपना टिकट निकालते हैं। और हम लोग जा रहे हैं वैसे सिंगापुर एयरलाइन से, तो अपना फ्लाइट टिकट निकालते हैं, पासपोर्ट निकाल लिया है, अंदर एंटर होते हैं। अंदर जाके भी ना बहुत सारा प्रोसेस है, वो कम्प्लीट करते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताएंगे। चलो जी, वो गेट से हम लोगों ने अपना टिकट एंड पासपोर्ट दिखा के एंट्री ले लिया है, और अभी जाते हैं अपने काउंटर में। अपना वैसे इकोनॉमी क्लास है, कभी बिजनेस क्लास में भी जर्नी करेंगे, अभी फिलहाल चलते हैं इकोनॉमी क्लास में। तो चेक इन काउंटर में हमारा काम हो गया है कम्प्लीट, और ये मिल चुका है हमें हमारा बोर्डिंग पास। और चेक इन काउंटर में भी ना काफी कुछ उन्होंने पूछा, मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि चेक इन काउंटर में ना उन्होंने मुझसे काफी कुछ मांगा, अभी इमिग्रेशन हमारा हुआ नहीं है, चेक इन काउंटर में ही वो बहुत कुछ पूछ लेते हैं। तो आप जब भी आ रहे हो सिंगापुर के लिए, तो अपना सारा मतलब जो बुकिंग वगैरह है ना, सब कुछ सामने निकाल कर लाना, सब कुछ ना अपने साथ लेकर आना। ऐसा नहीं है कि हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी, फोन में भी हो चलेगा, लेकिन मैं तो बोलूंगा प्रिंट करा कर आओ और अपने साथ लेकर रखो, कभी कभी मांग लेते तो दिक्कत होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, काउंटर में सबसे पहले उन्होंने मेरा पासपोर्ट चेक करा, फिर मैंने अपना टिकट दिखाया, उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप सिंगापुर से रिटर्न कब आ रहे हो। तो मैंने बताया मैं सिंगापुर से रिटर्न नहीं आ रहा हूँ, मैं किसी और कंट्री के लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप जिस कंट्री जा रहे हो उसका टिकट दिखाओ मुझे, मतलब उनको एक प्रूफ दिखाना पड़ता है कि आप सिंगापुर एग्जिट कर रहे हो। तो वो मैंने टिकट निकाल के रखा था, वो मैंने दिखा दिया। फिर ऐसा होटल बुकिंग ना यहाँ चेक इन काउंटर वगैरह में नहीं पूछा गया, हो सकता है कहीं और पूछा जाए, इमिग्रेशन में पूछा जाए, सिंगापुर में पूछा जाए, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और हाँ, सबसे मेन वीजा, पासपोर्ट के साथ उन्होंने सबसे पहले वीजा ही मांगा। तो आप भी जब आओगे काउंटर में तो सबसे पहले पासपोर्ट के साथ वीजा देना। तो अभी एक काम करते हैं ना, सबसे पहले अपना इमिग्रेशन क्लियर करवाते हैं, फिर सिक्योरिटी चेक क्लियर करवाते हैं, फिर आपको अच्छे से बैठ के ना सारा इन्फॉर्मेशन देंगे A to Z, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देख लो, यहाँ है इमिग्रेशन, कैमरा करना होगा बंद। चलो भाई, अपना इमिग्रेशन सिक्योरिटी चेक सब कुछ कम्प्लीट हो गया, अब जा रहे अपने गेट के पास। अब कुछ करना नहीं है भाई, टाइम पास ही करना है, बट उससे पहले ड्यूटी फ्री। हालांकि ये नया एयरपोर्ट है ना, मतलब उतना ऑप्शन तो नहीं होगा यहाँ पे जितना आपको दिल्ली मुंबई बैंगलोर में मिल जाएगा। चलो जी, अभी सारा काम अपना कंप्लीट हो चुका है, हम लोग आकर बैठ गए हैं अभी अपने गेट के पास। हमारा गेट आपको दूर में दिख रहा होगा, 10 है ये अपना गेट है, देख लो 45-50 मिनट के आसपास बचा हुआ है हमारे पास। अभी जो सबसे मेन चीज है वीजा का प्रोसेस, वो अगर मैं बताने जाऊँ ना तो एक अलग से वीडियो बन जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा ऊपर में,
तो आप अगर सिंगापुर वीजा अप्लाई करने के लिए देख रहे हो ना, तो आपके पास ये चीज होना चाहिए। और सिंगापुर वीजा आप खुद से अप्लाई नहीं कर सकते हो, आपको किसी एजेंसी का हेल्प लेना होगा। अगर आपके पास कोई एजेंसी है तो बहुत बढ़िया बात है, जिससे आप सिंगापुर वीजा ले सकते हो। मैं ट्राई करूंगा, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना जिनसे मैंने करवाया था बुक माई छुट्टी से, उनका नंबर और उनका इंस्टाग्राम जो भी रहेगा, जो भी उनका वेबसाइट लिंक वगैरह रहेगा ना, मैं नीचे दे दूंगा, आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हो अगर आपको सिंगापुर या फिर कहीं का भी वीजा चाहिए तो। अब दूसरा चीज है आपका फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग और एग्जिट, ये तीन चीज आपके पास होना चाहिए, तभी आप वीजा अप्लाई कर सकते हो। आप ये पूरा सिंगापुर सीरीज फॉलो करो, मैं लिख के देता हूँ आपको, सिंगापुर घूमने में ना प्रॉब्लम नहीं होगा। एक्चुअली हम लोग बिना प्लान के जा रहे हैं, लेकिन आपके लिए ना एक बढ़िया वाला प्लान बनाकर देंगे। और इमिग्रेशन तो हमारा एकदम मक्खन हुआ, क्योंकि आपको ये पता है जितना आपके पासपोर्ट पे स्टैंप रहेगा ना, उतना ही आपका इमिग्रेशन मैक्सिमम कंट्री में बहुत ही स्मूथ रहता है। लेकिन अगर आपका फर्स्ट टाइम या फिर सेकंड टाइम है, तब कभी कभी दिक्कत देते हैं। ऐसा नहीं है, जिसका मतलब पूरा भरा हुआ रहता है उसको भी दिक्कत देते हैं, अगर उनको कुछ डाउट रहता है तो थोड़ा डाउट क्लियर करता है। ऐसा डरने का बात नहीं है, नॉर्मल समझना, वो जो पूछ रहे हैं आप सही सही बताना है, जो है एकदम सही बताना, कोई झूठ मत बताना, बस यही बात है। हम दोनों साथ में ही गए थे तो हमसे उतना क्वेश्चन नहीं हुआ। सत्य भाई का वैसे मैंने बताया आपको फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है, वो भी सिंगापुर जैसा जगह जा रहा है, तो भाई आपसे क्या क्या पूछा, थोड़ा सा आइडिया दे दो। घर परिवार के बारे में भी पूछ लिया भाई, दीक्षित हो तो कहाँ से हो, महाराष्ट्र से हो, यूपी से हो, क्या करते हो, क्यों जा रहे हो, कितने दिन रुकने का प्लान है, नॉर्मल भी मतलब हालचाल भी, बैंगलोर में कितने साल से हो, सब कुछ पूछा, और क्या करते हो प्रोफेशनली वो भी सब पूछा। ओके ठीक है, बंदे जेन्यून थे, हंस के बात करते, अभी नहीं कि आपको डरा रहे हूँ, प्रोफेशनल थे, अच्छे से बात किया, वो तो जरूरी है भाई, सिक्योरिटी देश की जरूरी है, अच्छा लगा। घबराने का जरूरत नहीं है, इसका प्रिंट लेके खुद ही सीक्वेंस बना के उनको दे दो, किससे जा रहे हो, किससे आ रहे हो, बीच का स्टे वगैरह सब एक पेपर बना के बुक जैसे पकड़ा दो भैया पढ़ लो, और साथ में जो आपसे पूछे जो जेन्युइन चीज है अपना बताते जाओ, और डरने जरूरत नहीं है भाई, आप कुछ थोड़ी ना कुछ गलत कर रहे हो, तो सही चीज ले जा रहे हो, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ऑल क्लियर, ऑल द बेस्ट। तो पहला ठप्पा लग चुका है, अभी एक और ठप्पा लगेगा आपका, कि आप सिंगापुर में इन हो गए, टोटल इस ट्रिप में आपका चार ठप्पा लगेगा, अभी सिंगापुर एक और बार भी लगने वाला है ना, हाँ सॉरी छह ठप्पा लगेगा, अरे आठ ठप्पा लगेगा आपको, क्योंकि आप उस कंट्री में भी तो जा रहे हो ना। ओ भाई साहब, एक बार में आठ ठप्पा लगवा के आएंगे ये। जिस दिन सिंगापुर फ्लाई कर रहे हो ना, मतलब सिंगापुर एंटर करने के तीन दिन पहले आपको एक SG अराइवल कार्ड ना फिलअप करना होता है, तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वो बेसिक डिटेल्स है उसमें, लाइक आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, अगर आप फ्लाइट से जा रहे हो तो फ्लाइट नंबर क्या है, होटल बुकिंग क्या है, सिंगापुर से निकल के आप कहाँ जा रहे हो, अगर आप इंडिया आ रहे हो तो इंडिया दे दो, अगर आप कहीं और कंट्री जा रहे हो तो उसका नाम दे दो। तो सिंपल सा है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, फिर उसका एक PDF आ जाएगा, जैसे ही आप वो फिलअप कर लोगे वो अपने साथ प्रिंट करवा के रख लेना, वो सिंगापुर में उसके लिए पूछते हैं। तो ये तो आपको मैंने बोर्डिंग पास दिखाया ना, इसके साथ ही फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है अपने बोर्डिंग पास के साथ हमें ये मिला है बैगेज चेक रिसिप्ट, तो इसका क्या ही काम है पता नहीं, लेकिन हाँ नीचे हमारे लगेज का जो वेट था ना वो लिखा हुआ है। वैसे हम लोग चेन्नई से निकल के वर्ल्ड के मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट में जा रहे हैं, हम लोग चांगी एयरपोर्ट को ना No. 1 का अवार्ड मिलते आया है, लेकिन जिस टाइम हम लोग पहुंचेंगे ना नींद से हमारा बुरा हाल रहेगा। चलो यहाँ पे बहुत बकबक हो गया, थोड़ी देर में अपना फ्लाइट का बोर्डिंग स्टार्ट होता है, वो दिखाते हैं आपको। अभी ना हम लोग गेट के बैठे हुए थे, फिर मैं सोचा चलो एक काम करते हैं, चेन्नई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ का फूड कोर्ट आपको दिखाते हैं। अंदर आपको KFC तो मिलेगा ही, साथ में ये देख लो बहुत फेमस है साउथ में, अद्यार आनंद भवन, बहुत बढ़िया, यहाँ पे फिल्टर कॉफी, चाय, साउथ इंडियन खाना बहुत बढ़िया मिलता है यहाँ पे, साथ में मसाला किचन भी है। अभी भाई एयरपोर्ट आए हैं, रात का टाइम है, डिनर का भी टाइम हो गया था, तो मुझे खाना था उत्तपम, तो मैंने अभी उत्तपम ले लिया अपने लिए, साथ में फिल्टर कॉफी भी है, तो ये दोनों का 509 रुपया हुआ। तो ये देख लो जी अपना फ्लाइट सिंगापुर एयरलाइन, अपना गेट नंबर 10A, तो यहीं से हमारा बोर्डिंग स्टार्ट होगा। फाइनली भाई हमारा बोर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, टाइम देख लो अभी 10:49 हो रहा है, अभी लगभग 11:15 का हमारा डिपार्चर टाइम है। ये रही हमारी आज की सवारी सिंगापुर एयरलाइन, लिटरली यार बहुत दिनों से मन था सिंगापुर एयरलाइन में ट्रैवल करने का, चाहे कोई भी क्लास हो, अंदर जाके एक बार ट्रैवल करना था, फाइनली वो ड्रीम पूरा होने वाला। ओ भाई सॉन्ग, अरे वाह, बाहर में एयरफोन रखा हुआ है। थैंक यू। हेलो 68। थैंक यू। या गुड मॉर्निंग। द सीट नंबर इज एट द बैक ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड इन द मिडल। थैंक यू। फाइनली अभी हम लोग अपने सीट पे तो आ गए हैं, इस बार मुझे मिल चुका है विंडो सीट, यहाँ पे देख लो। अगर मैं बात करूँ सिंगापुर एयरलाइन के अंदर के इंटीरियर का ना, भाई साहब मैं यही सोच रहा हूँ इनके इकोनॉमी क्लास में इतना कुछ है तो इनके बिजनेस एंड फर्स्ट क्लास में क्या क्या होगा। लेग स्पेस देख लो, अच्छा खासा लेग स्पेस है। वैसे आज हमारा जर्नी होने वाला है सिंगापुर एयरलाइन के इस बोइंग 787 में। स्पेस देखो ये पॉकेट मैगजीन का।
यहाँ पे ये मैगजीन होल्डर, साथ में छोटा छोटा ना ऐसे बहुत सारा पॉकेट भी बना हुआ है। और ये तो एंटर करते वक्त ही ना वहाँ पे ये ईयरफोन रखा हुआ था, एक एक करके आप लेकर आ सकते हो अगर आप मूवीज वगैरह देखना चाहते हो तो। बाकी सीट पे ही ना एक पिलो था और क्या था, ब्लैंकेट, ये आपके सीट पे ही रखा रहेगा, एक पिलो एंड ब्लैंकेट। वैसे देख लो यहाँ की तरफ एक बड़ा स्क्रीन तो मिलता ही है, इसमें दिखाएंगे आपको क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ पे यूएसबी पोर्ट भी है, आप अपना फोन भी चार्ज कर सकते हो। लाइट्स के लिए और किसी क्रू को बुलाने के लिए सब कुछ आपके सीट के पास में ही है। ओ भाई, अगर आपको डिनर करना है तो इसे खोल लो, और बस फोन रखना है तो ऐसे रख सकते हो। यहाँ पे देख लो मिरर भी दे रखा है, यहाँ पे देख लो। वैसे जो भी सेफ्टी इंस्ट्रक्शन होता है ना वो देख लो स्क्रीन पे ही दिखा रहा है, वो ऐसे लाइव करके नहीं दिखाते, स्क्रीन में प्री रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है वही दिखा देते हैं। यहाँ पे देख लो ग्लास एंड बोतल होल्डर भी है। इंडिया टाइम 11:15 में हम लोग का डिपार्चर टाइम था, बस थोड़ी देर में हम लोग टेक ऑफ करने वाले हैं। ये हमारा रूट होने वाला है, देख लो अच्छे से आपको दिखाऊंगा एग्जैक्ट हमारा रूट क्या है। वैसे हम लोग निकोबार आइलैंड के ऊपर से जाएंगे। अभी लोकल टाइम चेन्नई में हो रहा है 11:30, सिंगापुर में हो रहा है लगभग रात का 2। ये कुछ रूट है हमारा। फाइनली अभी हम लोग टेक ऑफ कर चुके हैं, इंडिया टाइम लगभग रात के 11:30 बजे। जय माता दी। थोड़ी देर में अब हमारा सर्विस स्टार्ट होगा तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमारा रूट दिखा रहा है क्या रूट हम लोग फॉलो करने वाले हैं आज। लगभग हम लोग 3,000 किलोमीटर कवर करने वाले हैं, वो भी 3.5 घंटे में। अभी तक तो फील आ रहा है कि हाँ वर्ल्ड्स वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन में हमारा। यहाँ पे देख लो लाइट का कंट्रोल है, अगर मैं लाइट यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना तो ऊपर देखना, ये सही है। और ये जो आप देख रहे हो ना ये तो अभी काफ़ी डार्क है बाहर, तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा मैं दिखाऊंगा तो, लेकिन जब बाहर बहुत ज़्यादा धूप होता है ना, पहले तो आप एक चीज़ नोटिस करो, नॉर्मल जो हमें फ़्लाइट में विंडो मिलता है ना उससे ये काफ़ी बड़ा है साइज़ में, बहुत बड़ा। और इसमें कोई भी ब्लाइंड्स नहीं है, देखो जो होता है ना हम लोग ऐसे ढक देते हैं वो नहीं है। इसमें क्या है ना, ये जो नीचे में ब्लैक साइड देख रहे हो ना, इसको अगर आप क्लिक करके रखते हो ये जो पूरा ग्लास है ब्लैकआउट हो जाएगा, बाहर का धूप आएगा ही नहीं अंदर। फिर ये वाइट की तरफ कर दो तो ये पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। सोचा ये इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ थोड़ा। अब थोड़ा बहुत दिखा देते हैं कि ये जो इनका इन्फोटेनमेंट सिस्टम है ना इसमें आपको क्या क्या मिलता है। सबसे पहला चीज़ तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे लाइव टीवी भी है, पता नहीं ये काम करता है कि नहीं, लेट्स सी चेक करते हैं। वो भाई साहब ये तो काम कर रहे हैं। अब ये नहीं पता मुझे ये मैच लाइव चल रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ तो लिखा हुआ है लाइव ऊपर की तरफ देख लो। इसके अलावा देख लो आपको पॉपुलर मूवीज़ भी मिल जाएंगे, हॉलीवुड न्यू रिलीज, हॉलीवुड फेवरेट। थैंक यू। अभी देख लो जी ये हमें हॉट दाल मिल चुका है। अगर आप विस्तारा या फिर एयर इंडिया के बिजनेस क्लास में ट्रैवल करोगे तब आपको मिलेगा ये हॉट दाल। सिंगापुर एयरलाइन देख लो इकोनॉमी में हॉट दाल दे रहा है। मूवी कलेक्शन तो आपको यहाँ मिलेगा, जो मूवी आप देखना चाहते हो वो मिलेगा। आप स्क्रॉल करते करते थक जाओगे, इनका मूवी का कलेक्शन नहीं थकेगा। बाकी आप म्यूजिक भी सुन सकते हो यहाँ पे। जैसे आपको बॉलीवुड मूवी भी मिल जाएगा, ज्यादा नहीं है टोटल 22 मूवी है ये देख लो। अभी वैसे टाइम देख लो रात का 12 बज रहा है, 12:09 हो रहा है इंडिया टाइम, और हमारी फ्लाइट अभी देख लो बे ऑफ बंगाल के ऊपर से जा रही है, मतलब थोड़ी देर में हम लोग अंडमान पहुंचने वाले हैं, निकोबार के ऊपर से जाएगी हमारी फ्लाइट। और यहाँ पे देख लो रात का हमारा डिनर सर्व हो चुका है। सबसे पहला ध्यान जो मेरा पड़ा वो इनके ये वाटर बॉटल पे, भाई हिमालयन का वाटर बॉटल मिला, और क्या चाहिए बताओ। इसके अलावा देख लो आपको यहाँ पे बियर का भी ऑप्शन मिल जाता है, और अगर आपको बियर वगैरह नहीं चाहिए तो सॉफ्ट ड्रिंक का भी ऑप्शन है इनके पास। नॉन वेज में 2 था, एक चिकन एंड फिश, मैंने चिकन लिया, लवली फिश लिया। जैसे बिजनेस क्लास में कटलेरीज देते हैं ना वैसे ही मिला देख लो, स्टील का स्पून एंड फॉक। और यहाँ से 2.5 घंटे का जर्नी रह गया हमारा, लगभग सुबह के 5:30 बजे हम पहुँचेंगे। वैसे ये हमारा आज का डिनर पुलाव जैसा लग रहा है, साथ ही ये चिकन ग्रेवी है और उसमें शायद एग भी डाला हुआ है देखो, और ये दही भल्ला, साथ में ब्राउनी, आइसक्रीम, पापड़, वाइप्स तो है ही अपना। इसके अलावा एक बन है, और साथ ही वो टी कॉफी पूछ रहा था, मैंने कॉफी बोला तो वो अभी देकर चले गए। पहले काम करते हैं, खाने को ट्राई करते हैं, फिर आपको रिव्यू देते हैं। लवली का भी सब कुछ सेम ही है,
बट उसको चिकन की जगह फिश का आइटम मिला है। सत्य भाई ने वैसे वेज लिया है। खाना कैसा लगा? खिचड़ी टाइप का, मस्त था। अच्छा था, खा लिया, थोड़ा फिनिश कर दिया। ड्रिंक क्या लिया आपने? ड्रिंक मैंने एप्पल जूस। जब मैंने इसे अच्छे से देखा ना, तब पता चला ये बिरयानी है, और सच बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था ये। और उसके साथ जो ग्रेवी था ना, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये अपना ब्राउनी, वैसे था ये हैदराबादी स्टाइल बिरयानी, और साथ में ना ग्रेवी के अंदर एक अंडा भी दे रखा था इन्होंने। और चिकन भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, ऐसा नहीं कि मतलब चबाना पड़ रहा है कुछ, बहुत ही अच्छा लगा। और ये ग्रेवी भाई साहब, इसके साथ मिल जाता ना गर्मा गर्म पराठे। और एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा, छोटा छोटा डिटेलिंग देखो, ये जो सिंगापुर एयरलाइन का लोगो है ना, इनके स्पून में भी था। ओवरऑल खाना ही पूरा अच्छा था हमारा। और यहाँ पे आप अगर देख सकते हो ना, तो हमारी जो फ्लाइट है वो बे ऑफ बंगाल के ऊपर से जा रही है, और वो दूर में हमें कोलकाता दिख रहा है। और लवली ने जो फिश लिया था ना, वो बता रही है वो भी बहुत ही बढ़िया लगा उसको। अभी मैंने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक ले लिया है। कोल्ड ड्रिंक लो या फिर बियर लो, वो सब कुछ अनलिमिटेड है, आप उस जितने बार भी चाहो ना उसको रिफिल करवा सकते हो। अभी मैं आ गया हूँ सिंगापुर एयरलाइन के वॉशरूम में, और एक बात तो बोलना पड़ेगा, जितना मैंने तारीफ सुना था ना सिंगापुर एयरलाइन का, उससे भी ये कहीं बढ़कर है भाई। मतलब लिटरली अभी तक का मेरा फ्लाइंग किया हुआ और एक्सपीरियंस किया हुआ, ये वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन है, जबकि हम लोग इकोनॉमी में ट्रैवल कर रहे हैं। और अगर मैं टिकट प्राइस की बात करूँ ना, तो मैंने ये टिकट बुक किया था 12,000 रुपए में। ये टिकट मैंने एक सप्ताह पहले बुक किया था, और भाई सर्विस के तो पूरे नंबर है, बार बार आ रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे कि सर आपको ये चाहिए वो चाहिए भाई। और मैंने एक चीज देखा, जितने भी छोटे बच्चे है ना, उनको वो एक हेडफोन सा दिया जा रहा है, जिससे मतलब बाहर का जो नॉइज है ना वो ज्यादा ना लगे उनको। अभी मैं सिंगापुर एयरलाइन के ना वॉशरूम में आया हूँ। वैसे वॉशरूम बाकी एयरलाइन से तो काफी अच्छा है, अगर आपके साथ कोई छोटा बच्चा है, उसका डायपर वगैरह चेंज करना है, मस्त यहाँ पे लिटा कर ना आप चेंज कर सकते हो। बाकी ऐसे ही कुछ वॉशरूम है, देख लो, एक इधर के साइड भी मिरर लगा हुआ है, एक इधर भी मिरर है विथ लाइट। साथ में यहाँ पे देख लो, आपको टूथब्रश एंड कोलगेट भी मिलता है, और हमें ये जरूरत है क्योंकि हम लगभग सुबह के 5 या 5:30 बजे पहुंचेंगे ना। वैसे हमारे बैग में है, लेकिन सिंगापुर एयरलाइन का तो लेना बनता है। साथ ही यहाँ पे देख लो, लोशन भी मिलता है। अभी एक काम करते हैं, सीट पे जाते हैं। एक्चुअली अंदर ना लाइट काफी मतलब लो करके रखा है इन्होंने, क्योंकि अब सोने का टाइम हो रहा है ना, इसलिए। अभी अंदर का माहौल देख लो, काफी डार्क हो चुका है, ऑलमोस्ट सभी लोग आप बोल सकते हो सो गए, मैक्सिमम लोग। जब तक नींद नहीं आ रहा है तब तक ये मूवी देख लेते हैं। केबिन क्रू सिक्योर एयरक्राफ्ट फॉर लैंडिंग, थैंक यू। अभी अगर मैं टाइम की बात करूँ तो इंडिया टाइम 2:45 हो रहा है, समझो सुबह का 3 बजने वाला है, ये इंडिया टाइम में बता रहा हूँ। अभी सिंगापुर का टाइम देख लो, और 88 किलोमीटर। हम लोग लैंड अप करने ही वाले हैं, और आप लोग अभी इंजॉय करो वर्ल्ड के मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट का लैंडिंग कैसा होता है, और वो भी वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन से। वेलकम टू सिंगापुर। हम लोग तब से पूर बोल रहे थे, लेकिन सिंगापुर नहीं है, सिंगापुर। ये सैमसंग वाले फोन में तो देख लो टाइम भी चेंज हो गया, 5:28 हो रहा है। अब इंडिया में 2:58 हो रहा है, और सिंगापुर में 5:28। सिंगापुर में 5:28। इंडिया हो या सिंगापुर, जैसे ही फ्लाइट पहुंचती है डेस्टिनेशन में, भगदड़ मचना मैंडेटरी है भाई। देख लो, हम भी निकलते हैं बाहर और आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। निकलते निकलते थोड़ा खुद को देख लो, फ्लाइट ऑलमोस्ट खाली हो चुका है, पूरा ही खाली है, बस हम लोग ही है। थैंक यू भाई, सबसे लास्ट हम लोग निकल रहे हैं। ये सारा हो गया इनका इकोनॉमी क्लास। थैंक यू। वेलकम टू टर्मिनल 2, हमें जाना है यहाँ अराइवल में। वेलकम टू सिंगापुर। अरे हम बार बार सिंगापुर क्यों बोला, सिंगापुर जयपुर समस्तीपुर मधुपुर। वर्ल्ड का मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट कुछ ऐसा दिखता है। नीचे कारपेट देख लो जो बिछा हुआ है, कितना कलरफुल एयरपोर्ट है यार देखो। अभी सबसे पहला काम है इमिग्रेशन के लिए जाना, तो अभी सबसे पहले हमारा इमिग्रेशन होगा, फिर हम लोग करेंगे अपना बैगेज क्लेम, और बैगेज क्लेम करने के बाद मैं ये वाले वीडियो को ना एंड कर दूंगा, और तब तक के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा वो आपको जरूर दूंगा मैं। क्या खूबसूरत एयरपोर्ट है यार। एक और चीज मैं आपको दिखा दूं, T3 अगर आपको जाना है तो, और ऐसा नहीं है कि आपको कहीं जाना पड़ेगा,
ये एयरपोर्ट में हम लोग चल रहे हैं, ये सामने ही बना हुआ है स्टेशन देख लो, और हर 3 मिनट में एक एक ट्रेन है अगर आपको T3 जाना है यहाँ से। और एक चीज मैं बता दूँ, ये जो है ना SG अराइवल कार्ड, ये आप इंडिया से फिलअप करके आना, मैंने आपको बताया था, तो यही है लिंक देख लो, पहले ही करके आना तो इधर तामझाम नहीं करना पड़ेगा। तो ये रहा सिंगापुर का इमिग्रेशन, क्या खूबसूरत लग रहा है यार। तो एक काम करते हैं, ये इमिग्रेशन है, कैमरा बंद करते हैं, ये कंप्लीट करा के मिलते हैं। फाइनली अपना इमिग्रेशन डन हो चुका है, 2 मिनट में। एक बात मैम ने क्या बोला, जब हम लोग पूरा वो डॉक्यूमेंट वगैरह चिट्ठा निकाल रहे थे, नहीं पहले बताई कि पहले पूछी कि आपका पासपोर्ट कहाँ का है, हम बोले भाई इंडियन देख लो शकल से, तो बोले नो इंडियंस नीड टू शो डॉक्यूमेंट्स, ऐसे समथिंग कुछ करके बोले। बोले यार दिल से हो गई भाई, काफी स्मूथ प्रोसेस, इतना स्मूथ प्रोसेस मुझे नहीं लगता किसी भी कंट्री का रहा होगा, एकदम इजी भाई, सब कुछ खुद से हुआ, कोई ऑफिसर नहीं, कुछ भी नहीं, आपको बस अपना पासपोर्ट स्कैन करना था, वो थम देना था, कैमरा में देखना था, सब कुछ स्कैन हो गया ऑटोमेटिकली। और हाँ, SG अराइवल कार्ड भर के आना इंडिया से, अगर आप नहीं भर के आए हो तब वो भरवाते हैं अलग से, देख लो हमें कुछ दिखाने का जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि उनके पास ऑलरेडी सारा इन्फॉर्मेशन है हमारा। ये लग रहा है लवली का लगेज आ गया, हाँ ये लवली का ही लग रहा है मेरे को तो। जैसे ही अभी हमारा इमिग्रेशन कम्प्लीट हुआ, अपने काउंटर में हमारा लगेज भी आ चुका है, अभी सत्या भाई का भी आता ही होगा। क्यों बोलते हैं इसे वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट, अभी समझ में आ रहा है यहाँ पे आकर, कितना स्मूथ प्रोसेस यार, ऐसा होना चाहिए ना, अगर सिस्टम अगर बैठा रहे हो तो ऐसा बैठाओ लोगों को बिल्कुल परेशानी ना हो, मतलब आप बोल सकते हो यहाँ पे ना सेल्फ इमिग्रेशन हुआ, आपको कोई ऑफिसर कुछ क्वेश्चन नहीं पूछते, वो खुद से हम लोगों ने वहाँ पे पासपोर्ट डाला, गेट खुला, निकल गए बाहर। चलो जी यहाँ पे सत्या भाई का भी लगेज आ गया। भाई अभी इंडिया में तो 3:30 बज रहा है, होटल भी इतना जल्दी चेक इन देंगे नहीं, चेक इन पहले पता होता हमें तो हम एक दिन पहले से होटल बुकिंग करते हैं। हाँ भाई एक दिन पहले से ही करके रख लेना, और कोई सस्ता होटल कर लो ताकि आज रेस्ट कर पाओ, ऐसी फ्लाइट मतलब थोड़ा टाइमिंग देख के करना कि रात में ना लैंड हो भाई 2-3 बजे हमारे तरफ। और एक चीज देख लो, यहाँ पे काफी बढ़िया एयरपोर्ट भी इन्होंने बनाया हुआ है, आप अगर सिंगापुर में हो ना तो आपके पास ये सारे ऐप होने से ना काफी काम आसान हो जाएगा, जैसे ग्रैब हो गया, गोजेक हो गया, जिग हो गया, रिड हो गया, टाटा हो गया, तो ये सब आप रख सकते हो। ग्रैप तो है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सिंगापुर एयरपोर्ट का ड्यूटी फ्री है देख लो। चलो जी सारा काम अपना हो चुका है, इसके बाद का क्या सीन है ना देखो, हमारा जो होटल बुकिंग है उसका जो चेक इन टाइम है वो 2:00 PM का है और अभी सुबह का 6 बज रहा है, तो सोचो अभी तो मतलब किसी कीमत में वो चेक इन नहीं देंगे, चेक इन दे भी देते हैं अगर वो तो वही है ना, वो इतना अर्ली चेक इन करने का चार्ज लेंगे, ऑलमोस्ट जो होटल प्राइस है अपना उसका हाफ से भी ज़्यादा प्राइस। अब वही अभी एक काम करते हैं, थोड़ा सा एयरपोर्ट में टाइम पास करते हैं, और ये कोई ऐसा वैसा एयरपोर्ट नहीं है, मैंने पहले भी बताया आपको, चांगी जो एयरपोर्ट है ना वर्ल्ड का मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट है, जो कि मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में ना अच्छे से टूर देने का। फिलहाल एक थोड़ा सा यूनिक बात क्या लगा मुझे, जैसे कि हम लोगों ने जब इंडिया एग्जिट किया तब हमारे पासपोर्ट पे स्टैंप लगा, वो एग्जिट का जो स्टैंप लगता है, बट जो हम लोग यहाँ सिंगापुर एंट्री किए एंट्री का कोई स्टैंप नहीं लगा, वो मैंने बताया ना वो जो इमिग्रेशन प्रोसेस था सब कुछ एकदम ऑटोमेटिक था, आप बोल सकते हो सिंपली सेल्फ इमिग्रेशन हुआ। तो अगर यहाँ तक ये वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।